गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वी आर फर्स्ट ईयर। आपका जो सब्जेक्ट है लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम एंड रिफ्लेक्टिंग टेक्स्ट, उसके अंदर जो आपका टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था अनुभवों पर बातचीत के साथ लेखन। मैंने आपको बताया था कि बच्चे जो भी प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो बच्चे जो अनुभव ग्रहण करते हैं वो किससे करते हैं, जो भी उनके सामने जो घटना घटती है उससे वो अनुभव लेते हैं और उसके ऊपर उस चीज़ों को वो एक लेखन के माध्यम से लिखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसी तरह मुंशी प्रेमचंद, गांधी जी के एग्जांपल्स मैंने बताए थे कि जो उन्होंने एक अनुभवों को जो महत्वपूर्ण माना है कि उनके जो अपने अनुभव है, जैसे गांधी जी के सत्यता पर और जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं उनके सामाजिकता पर, तो समाज के प्रति उन्होंने अपने विचार एक लेखन के रूप में अभिव्यक्त कर दिए। तो अब अनुभवों पर बातचीत के साथ लेखन के अंदर बच्चे क्या क्या, बच्चों को कहाँ कहाँ अनुभव की प्राप्ति होती है, तो पहला कल मैंने आपको बताया था पारिवारिक अनुभव। पारिवारिक अनुभव में मैंने बताया था कि बच्चों की पहली पाठशाला उसका अपना परिवार होता है, परिवार से वो बहुत कुछ सीखता है, समझता है और वहाँ से अनुभव ग्रहण करता है। और जो वो अनुभव ग्रहण करता है वो एक क्या होना चाहिए, टीचर को उसके मतलब सुनना चाहिए, मौखिक अभिव्यक्ति या बातचीत करनी चाहिए उसके परिवार के बारे में और अपने परिवार के सदस्यों के बारे में लिखने के लिए उसे प्रेरित करना चाहिए, जिससे उसके अंदर लिपिबद्ध और लेखन रचना का विकास हो सके। अब जो नेक्स्ट था वो ये था अनुभव आधारित लेखन के लिए छात्रों को निम्नलिखित विषय पर लेखन करने के लिए प्रेरित किया जाता है। पहला मैंने आपको पारिवारिक अनुभव बता दिया था, दूसरा है सामाजिक अनुभव। सामाजिक अनुभव इन द सेंस है कि बच्चे अपने जो छात्र होते हैं वो अपने परिवेश में रहते हैं और परिवेश में रहकर ही वे बहुत सी चीज़ों को क्या करते हैं, सीखते हैं, ठीक है, और अनुभव प्राप्त करते हैं, अनुभव ग्रहण करते हैं। तो एक अनुभव उसको कहाँ से मिलता है, समाज से मिलता है। सामाजिक इन द सेंस होता है कि एक जैसे कि वो अपने माता पिता को देखता है कि वो गरीबों को क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। जो कोई उनके सामने कोई गरीब बच्चा आता है तो उसके माता पिता उसकी मतलब उसकी हेल्प करते हैं, तो वो उस चीज़ को क्या करते हैं, अनुभव लेते हैं कि हाँ जो गरीब बच्चे हैं हमें उसकी क्या करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। एक मूल्य को बताता है, एक सामाजिक मूल्य को विकसित करता है। इसी तरह कोई अंधे लोग होते हैं समाज में, वो देखता है कि अंधे लोग जो होते हैं उनको सहारा देते हैं, तो ये भी उस चीज़ को क्या करता है, ग्रहण कर अनुभव ले रहा है। तो उसने बहुत समाज में रह के अपने परिवेश में रह सके बहुत सी ऐसी बातों को सीखा है, बहुत सी ऐसी बातें उसने अनुभव की हैं। तो उसके बारे में कक्षा में क्या होना चाहिए, उसके बारे में एक छात्र को, एक अध्यापक को छात्र के प्रति क्या करना चाहिए, मौखिक अभिव्यक्ति कराना चाहिए और जो उसने अपने आसपास के वातावरण में जो अनुभव ग्रहण की है उसको जो रुचिपूर्ण लगे, जो उसके लिए रुचिपूर्ण साबित हो, उसके लिए उसे लिखने के लिए क्या करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। फिर आता है नेक्स्ट सांस्कृतिक अनुभव। सांस्कृतिक अनुभव इसके अंदर आता है बालक को अपने परिवेश के अंदर
जो उसकी जो मानवता होती है और जो नैतिक मूल्य होते हैं उस पर बहुत विश्वास होता है। मतलब वो जहाँ पे उठता है, बैठता है, अपने एटमॉस्फेयर में रहता है, तो वो उसे एक पूर्ण विश्वास होता है। तो नैतिकता और मानवता जो होती है वो एक तरह से उसके आसपास के सांस्कृतिक अनुभवों पर निर्भर करती है, क्योंकि नैतिकता और मानवता सांस्कृतिक के क्या होते हैं, एक मुख्य तत्व माने जाती है। तो हमारे आसपास जो भी संस्कृति होती है, जो भी परंपराएं होती है, उससे क्या होते हैं बच्चे एक तरह से क्या होते हैं अनुभव ग्रहण करते हैं। क्योंकि संस्कृति बोलती है कि जो कार्यक्रम, मतलब बच्चे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम करते हैं अपनी संस्कृति के आधार, संस्कृति के अंदर। तो हम देखते हैं कि हमारी संस्कृति के बहुत से त्यौहार होते हैं, तीज त्यौहार होते हैं, कार्यक्रम लेते हैं बच्चे, कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। तो जो कार्यक्रम उन्हें मानवता और नैतिकता प्रदान करे, जो उन्हें रुचिपूर्ण लगे, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, बच्चों को सबसे पहले उसके बारे में क्या करना चाहिए, ज्ञान, मतलब एक तरह से उससे बातचीत करनी चाहिए कि आपको कौन से कार्यक्रम अच्छे लगते हैं। क्योंकि बच्चों को जो कार्यक्रम अच्छे लगते हैं बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, अपनी संस्कृति में रहते हैं, अपने कल्चर में रहते हैं। तो उसको लिखने के लिए क्या करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि वो उनके एक अनुभव है कि हमने इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया था और हमारे अनुभव इस तरह विकसित हुए थे। फिर आते हैं नेक्स्ट, सामाजिक परंपराएं। सामाजिक परंपराएं, विभिन्न प्रकार की सामाजिक परंपराएं का अनुभव बच्चे अपने जीवन में क्या करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, जीवन में देखने को मिलते हैं। मतलब बच्चे अनेक अनुभव को समाज से लेते हैं, जैसे उन्हें जो चीज, जो त्यौहार पसंद आता है वो उसे क्या करते हैं एक अपने एक्सपीरियंस के रूप में बताते हैं। जैसे किसी बच्चे को दिवाली अच्छी लगती है तो किसी को होली अच्छी लगती है। तो एक तरह से अध्यापक का एक कर्तव्य होता है कि वो समाज में रह के समाज की जो परंपराएं होती है, जो उस बच्चे को अच्छी लग रही है, उसके बारे में उससे विचार विमर्श करें, बातचीत करें, मौखिक अभिव्यक्ति का सहारा लें और उसके बाद उस चीज़ को लिखने के लिए क्या करें, प्रेरित करें। जैसे दिवाली पे 5 वाक्य लिखो, या फिर ये हो सकता है कि आपने दिवाली किस प्रकार मनाई है, किस प्रकार नहीं मनाई है। तो वो सारे व्यूज़ अगर अपन बच्चों से पूछते हैं तो बच्चे ईजी गोइंग में उसका उत्तर देने के लिए तत्पर रहते हैं, प्रेरित होते हैं। फिर आता है नेक्स्ट, विद्यालय अनुभव। विद्यालय अनुभव हम देखते हैं कि परिवार के बाद बच्चों की जो दूसरी पाठशाला होती है वो उसका अपना विद्यालय होता है। विद्यालय के में जब वो प्रवेश करता है तो बहुत से सहपाठियों के साथ संपर्क में आता है, बहुत से छात्रों के बीच में रहता है, बहुत से लोगों के बीच में आता है। कुछ छात्र उसे अच्छे लगते हैं, कुछ जो उसके सहपाठी होते हैं वो कुछ अच्छे लगते हैं और कुछ बुरे लगते हैं। मतलब उनके व्यवहार के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, एक्सपीरियंसेस देता है एक तरह से। तो जो चीज़ें हम देखते हैं विद्यालय के अंदर, वो बहुत सी बातों को गेन करता है। तो हम ये भी बता सकते हैं कि विद्यालय के अंदर उसने क्या क्या बातें सीखी, या उसका विद्यालय का पहला दिन किस प्रकार रहा, उसके साथ जो बच्चे काम कर रहे हैं, मतलब एक तरह से बच्चे उसके साथ है, जिसके साथ वो समाज स्थापित कर रहा है, वो किस तरह के है। जैसे हम देखते हैं माय बेस्ट फ्रेंड लिखने के लिए बोलते हैं, स्कूल पे निबंध लिखने के लिए बच्चों को बोलते हैं, ठीक है, स्कूल का पहला दिन हमें किस प्रकार रहा, हम ये बच्चों को लिखने के लिए बोलते हैं। तो ये सब क्या है, बच्चों के अनुभवी है। तो बच्चों को जो चीज़ रुचिपूर्ण लगती है, जिसके बारे में वो जानना चाहता है, जिसके बारे में वो लिखना चाहता है, उसके ऊपर हमें क्या करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए और उसके प्रति उसको लिखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। फिर आता है नेक्स्ट, कक्षा कक्ष अनुभव। विद्यालय अनुभवों के बाद जो दूसरे नंबर पे आता है वो कक्षा कक्ष अनुभव होता है। विद्यालय के अंदर प्रवेश करते ही वो बहुत से लोगों से मिलता है। अब कक्षा कक्ष की बात आती है तो वो विभिन्न प्रकार के अपने जो सहपाठी होते हैं उनसे मिलता है, अध्यापकों के संपर्क में आता है। क्योंकि हम देखते हैं जो कक्षा कक्ष में जो सबसे जो केंद्रित माना जाता है वो विद्यालय की गतिविधियाँ, कक्षा कक्ष की गतिविधियाँ माना जाता है। बच्चे उस लेवल पे रह के अपने आयु के अनुसार या अपने स्तर के अनुसार या फिर जो उससे मोटिवेट रख रही है उसके अनुसार वो किस तरह से कार्य कर रहे हैं, कौन कौन सी गतिविधियाँ कर रहे हैं,
वो जो एक्टिविटी करते हैं, तो एक्टिविटी जो होता है वो सेंट्रलाइज किया जाता है कक्षा कक्ष अनुभव के अंदर। तो ये माना जाता है कि बच्चे किस तरह दूसरे बच्चों के साथ किस तरह समाजन स्थापित कर रहे हैं, अध्यापक के साथ उसका व्यवहार किस प्रकार का है, वो उस गतिविधियों में कितना पार्टिसिपेट कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, तो उसको जो भी चीज़ अच्छी लगेगी, जो एक्टिविटी उससे अच्छी लगेगी क्लासरूम के अंदर, उसके बारे में उसे लिखने के लिए क्या करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। फिर आता है नेक्स्ट से उच्च स्तरीय घटनाओं से तथा छात्रों के उच्च स्तर से होता है। इसमें तर्क एवं चिंतन से संबंधित अनुभवों चिंतन से संबंधित अनुभवों पर विचार किया जाता है। देखो आत्मिक अनुभव, आत्मिक अनुभवों का संबंध होता है उच्च स्तरीय घटनाओं से। उच्च स्तरीय घटना या उच्च स्तर से होता है जिसमें बच्चे क्या करते हैं तर्क और चिंतन चिंतन शक्ति से क्या करते हैं संबंधित अनुभवों पर विचार किया जाता है। जैसे बच्चे जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार के व्यक्ति अपने से बड़े से ये प्रश्न उठा करते हैं कि जो मानव होता है, जो व्यक्ति होता है वो व्रत क्यों होता है, आसमान नीला क्यों होता है, चिड़िया क्यों उड़ती है, इस प्रकार की शंकाओं से रिलेटेड जो भी प्रश्न होते हैं वो बच्चों को विज्ञान संबंधी साहित्य और सही गाइडलाइन देने के लिए, सही गाइडलाइन के द्वारा क्या करते हैं बच्चे इस चीज़ को लिखने के लिए बच्चों को प्रेरित किया जाता है कि इस जिसमें तर्क और चिंतन शक्ति का क्या होता है विकास होता है। तो बच्चों के तर्क और चिंतन शक्ति के बच्चों में जो आत्मिक अनुभव मतलब अपने अंदर जो उनके आत्मा के जो से जो अनुभव निकल कर बाहर आ रहा है कि आसमान नीला क्यों होता है, तो बच्चों को ऐसी चीज़ें लिखने के लिए क्या करना चाहिए तत्पर प्रेरित करना चाहिए जिससे बच्चों के अंदर तर्क और चिंतन शक्ति का विकास हो सके। ये आपके कहते हैं अनुभव पर बातचीत के साथ लेखन थे। अब आपको गृहकार्य है अनुभव आधारित लेखन के लिए छात्रों को किन किन विषयों पर लेखन करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। अनुभव आधारित लेखन के लिए छात्रों किन किन विषयों पर लेखन करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, तो मैंने आपको बताया है परिवार, विद्यालय, क्लासरूम, आत्मिक अनुभव होता है, सामाजिक परंपराएं होती है, इन सभी के माध्यम से बच्चों के लिए हम लिखने की प्रक्रिया को क्या कर सकते हैं सुचारू रूप से प्रभावी बना सकते हैं। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, थैंक यू।